हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन का हमारा टॉपिक रहेगा हाफ इन सेक्शन। हाफ इन सेक्शन क्या होता है और कैसे इसको किया जाता है। तो हाफ इन सेक्शन फ्रेंड्स, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का, जिस भी व्यू का हाफ इन सेक्शन करना है, हम ऑब्जेक्ट को उसी व्यू से वन फोर्थ पार्ट एक चौथाई हिस्सा कटा हुआ या हटा हुआ मान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए यहाँ मैं एक क्यूब कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मान लेते हैं, सबसे पहले फ्रंट के लिए बात कर लेते हैं। फ्रंट हाफ इन सेक्शन हमें करना है, तो फ्रेंड्स देखना अभी कितनी कंडीशंस होंगी फ्रंट हाफ इन सेक्शन करने की। तो हाफ इन सेक्शन करना है, अभी मैंने बताया, जिस भी व्यू का हमें हाफ इन सेक्शन करना है ऑब्जेक्ट का, उसी व्यू का वन फोर्थ पार्ट हटा हुआ या कटा हुआ माना जाता है। तो फ्रंट का करना है, तो अब यहाँ इसको हम वन फोर्थ कैसे कट करेंगे, यहाँ बीच से कट करेंगे, यहाँ से कट कर देंगे, यहाँ से कट करते हुए इस तरीके से ये वन फोर्थ पार्ट इसका हम निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो इधर से भी निकल सकता है वन कंडीशन और इधर वाला पार्ट भी निकल सकता है, नंबर वन कंडीशन और नंबर सेकंड कंडीशन। तो ये दोनों कंडीशन का मैं डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारे पास कंडीशन वन और सेकंड के लिए सेक्शनल व्यू हो गए। तो कंडीशन वन में हमने इस पार्ट को हटाया, ये वन वाला पार्ट है, कटने के बाद हमारे पास ये पार्ट बचा है। सेकेंड कंडीशन में ये इधर वाला पार्ट हटाया सेकंड में। तो अगर हम इनके लिए ऑर्थोग्राफी ड्रॉ करें, तो एलिवेशन पहले वन कंडीशन के लिए एलिवेशन बनाते हैं। एलिवेशन में फ्रेंड्स ये रेक्टेंगल आपको दिखाई देगा और एक ये, यहाँ बीच में ये लाइन दिखाई देगी और इधर ये जो हैचिंग है वो हैचिंग दिखाई देगी। ओके, नेमिंग कैसे करेंगे इसकी? नेमिंग की जाएगी फ्रंट, क्योंकि ये हमारे राइट साइड वाला पार्ट हमने हटाया है, इसलिए राइट में हैचिंग आई है। और इसको नेमिंग भी आप क्या करोगे, फ्रंट राइट हाफ इन सेक्शन, फ्रंट राइट हाफ इन सेक्शन। तो इससे पहले वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ कि जिस भी व्यू का आपको सेक्शन करना है, ओनली उसी व्यू में उसको सेक्शनल व्यू दिखाया जाता है, बाकी व्यू के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा मान लिया जाता है, यानी प्लान तो पूरा ऑब्जेक्ट एज इट इज रहेगा और साइड व्यू भी जो पूरा ऑब्जेक्ट है उसी का आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास प्लान यहाँ और ये राइट साइड व्यू हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पर कटिंग प्लेन लाइन डालनी है। तो कटिंग प्लेन लाइन, देखो कटिंग प्लेन लाइन हमें किस व्यू में दिखाई देगी, कटिंग प्लेन लाइन प्लान में दिखाई देगी। तो हम प्लान में कटिंग प्लेन लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, इसके बाद हम एरो हेड हमें लगाने हैं। अगर हम एरो इस तरह लगा देते हैं तो ये एरो की हेड वाला जो साइड है ये रिमेनिंग है और टेल वाला जो पार्ट है वो हमने रिमूव कर दिया। ओके, तो अब कंडीशन नंबर सेकंड के लिए हम बनाते हैं यहाँ पर ड्राइंग। कंडीशन नंबर सेकंड के लिए आप यहाँ पर बनाओगे एलिवेशन, तो ये एलिवेशन हो गया। इस बार हैचिंग अदर साइड में आएगी, दूसरी साइड में, क्योंकि आपने दूसरी साइड वाला पार्ट हटा कर देखा है, फ्रंट प्लान वही रहेगा और इसमें मैं साइड व्यू बनाऊंगा। साइड व्यू बनाने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड, तो हम बस इस दो ही व्यू बना लेते हैं। तो ये हमारे पास है इस बार फ्रंट, क्योंकि लेफ्ट वाला पार्ट हटाया है इसलिए आप इसको लिखोगे लेफ्ट हाफ इन सेक्शन। ओके, और ये ऊपर है प्लान। इस बार जो कटिंग प्लेन लाइन आएगी फ्रेंड्स, यहाँ से आपने कट किया है इसको, तो कटिंग प्लेन लाइन आएगी इधर और एरो हेड हो जाएंगे ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। इसके बाद आप देखो साइड व्यू में कटिंग प्लेन लाइन नहीं हम दिखा सकते, क्योंकि साइड व्यू में कटिंग प्लेन लाइन ऐसे आएगी, यानी ये कटिंग प्लेन लाइन बता रही है आपको दो हिस्सों में डिवाइड किया ऑब्जेक्ट, तो इसलिए कटिंग प्लेन लाइन हम साइड में नहीं दिखा सकते। लाइन उसी व्यू में दिखाई जाएगी जिसमें वो एग्जैक्ट
इंफॉर्मेशन देती हो। ठीक है फ्रेंड, अब हम बात कर लेते हैं और कंडीशंस की, फ्रंट में क्या और भी कंडीशंस हो सकती है। ठीक है, फर्स्टली तो हमने क्या किया था, जो कटिंग प्लेन लाइन थी वो इस तरह ड्रॉ की थी, यहाँ से कट करना ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया था। इस बार हम यहाँ पर कुछ ऐसे कट करते हुए जाएंगे और ये अपर वाला 1/4 और नीचे वाला 1/4 निकाल लेंगे। ये थर्ड नंबर पार्ट हो जाएगा और ये फोर्थ नंबर पार्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसकी ड्राइंग कर लेता हूँ। ये मैंने दोनों कंडीशन ड्रॉ कर दी है। पार्ट नंबर 3 अगर हम हटाते हैं तो ये ऊपर वाला पार्ट हटा दिया हमने यहाँ से, अगर 4 हटाते हैं तो नीचे वाला पार्ट हटा दिया। ठीक है, तो अब हम इसका ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन करते हैं, कंडीशन नंबर 3rd एंड कंडीशन नंबर 4। तो इस तरीके से फ्रंट में 4 कंडीशन हो सकती हैं हाफ इन सेक्शन करने की किसी भी मशीन टूल की। तो अगर आप इसका ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन करें तो ये रहेगा एलिवेशन, यहाँ बीच में ये लाइन, ऊपर आपको ये हैचिंग लाइंस भी दिखाई देंगी। ठीक है, प्लान फिर वही मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, एज इट इज़ रहेगा पूरे ऑब्जेक्ट का, और यहाँ पर ये साइड व्यू भी पूरा रहेगा। ये फ्रंट, अब इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि आपने ऊपर वाला पार्ट हटाया है तो इसलिए अपर हाफ इन सेक्शन बोला जाएगा। ठीक है, ये कौन सा व्यू है, राइट साइड व्यू है और ये प्लान हमने बनाया। तो कटिंग प्लेन लाइन इस बार किस व्यू में दिखाई देगी फ्रेंड्स, वो आपको साइड व्यू में दिखाई देगी कुछ इस तरह, और एरो ये। ठीक है, एरो का हेड जिस साइड है वो रिमेनिंग पार्ट है और टेल जिस साइड है वो रिमूव पार्ट है। तो फोर्थ नंबर की कंडीशन, फोर्थ नंबर की हम ड्राइंग करते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। आई थिंक अब आप सीख गए, अब आप कर सकते हो ड्राइंग आराम से। ये फ्रंट रहेगा, इस बार हैचिंग लाइन नीचे आ जाएगी क्योंकि नीचे वाला पार्ट आपने हटाया, देखा तो ये आपके पास इस तरह है, और ये साइड व्यू रहेगा और ये रहेगा प्लान। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, जिस भी व्यू में आपको बोला है सेक्शन करने के लिए ओनली उसी व्यू में सेक्शन करेंगे, बाकी व्यू के लिए ऑब्जेक्ट पूरा माना जाएगा। इस बार कटिंग प्लेन लाइन कहाँ आएगी फ्रेंड्स, कटिंग प्लेन लाइन नीचे और ये रहेंगे एरोहेड इस तरह। तो यहाँ पर आप इस बार क्योंकि नीचे वाला पार्ट हटाया है तो फ्रंट लोअर हाफ इन सेक्शन बोला जाएगा। ओके, प्लान एंड राइट साइड व्यू। तो आई थिंक आपको फ्रंट हाफ इन सेक्शन करना कैसे करना है ये आपको समझ आ गया होगा। इसी तरीके से प्लान की 4 कंडीशन हो सकती हैं और साइड व्यू की भी 4 कंडीशन हो सकती हैं। हाफ इन सेक्शन आपका क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।